Hello everyone, I am Lakshmi Ravanti. How are you? I wish you all very well in our home. I am an environment teacher and I teach our students. So let's start and शुरू करते हैं. पिछली क्लास में मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ था, उसका मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड किया था. पर आप में से कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कॉपी में नोटिंग करने में, समझने में. तो बेटा आप लोग अपना जो भी प्रॉब्लम है आपको आप मैसेज करो. आप जब तक मैसेज नहीं करोगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम को क्लियर कैसे करूँगी, ठीक है. अब अपनी क्लासेस स्टार्ट होती है. आइए देखिए, देखिए सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास हमारा फर्स्ट है एंड चैप्टर हमारा थर्ड है. चैप्टर थर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और पीडीएफ भी सेंड किया था. पर आप में से फिर भी कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि पीडीएफ भी समझ में नहीं आ रहा है और उसको एक्सरसाइज जो है वो दोबारा से डाउनलोडिंग करा दीजिए. आइए देखते दोबारा से नोटिंग करते हैं. तो ये देखिए पहले पहला आपका ए वर्ड है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. ये आप बुक में से लिख लीजिए. मैं आंसर आंसर फिल कराऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है. वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आपके आंसर फिल हो नहीं पाएंगे. तो टिक द करेक्ट ऑप्शन ए है. उसका फर्स्ट आपका क्या है, मैं. ये मैं आंसर कर रही हूँ, आप क्वेश्चन बुक में से कर लीजिए. ए प्लांट बी कप, उसका आंसर है ट्री. ट्री मैं आंसर फिल कर रही हूँ, क्वेश्चन आप बुक में से करिएगा. आता है आपका सेकंड, उसका आपका फर्स्ट आता है ट्रू. फर्स्ट आपका ट्रू है, सेकंड आपका फेल्स है और थर्ड आपका. मैंने पिछली वीडियो में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था. आप चाहो तो पिछली बार पिछली वीडियो को देख सकते हो समझने के लिए. मैं आपका आज एक्सरसाइज कंप्लीट करा रही हूँ. बाकी आप अपनी बुक में पिछली वीडियो में से देख कर आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या है. अब आपका सी वाला ऑप्शन, सी का आपका फर्स्ट, सी का आपका फर्स्ट है टैन एंड सॉर्ट. ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड आपका सॉर्ट, सॉर्ट एंड टैन. आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, स्क्रीन शॉट लेने के लिए कॉपी में लिख सकते हो अगर आपको पीडीएफ में कुछ समझ में नहीं आया तो. थर्ड आपका है उल्ड. देखिए ये आपकी थी एक्सरसाइज, फिर से बता देती हूँ मैं एक बार और. टिक द करेक्ट ऑप्शन, पहला आपका मैन है, सेकेंड आपका ट्री है. ये आपके ट्रू एंड फॉल्स है. पहला आपका ट्रू है, सेकेंड फॉल्स, थर्ड ट्रू एंड फोर्थ ट्रू. उसके बाद में आएगा आपका आता है फिलिंग. पहले में आपका टेन एंड शॉर्ट आएगा, सेकेंड में शॉर्ट एंड टेन आएगा एंड थर्ड में आपका ओल्ड आएगा. उसके बाद में आंसर द क्लोजिंग क्वेश्चन है. ये तो बेटा आपको पीडीएफ में से ही करना पड़ेगा क्योंकि ये आंसर काफी बड़े हैं. वीडियोस में इतने बोर्ड पर भी नहीं आएंगे, वीडियोस में भी इतना क्लियर नहीं आएगा. अरेंज द फ्लोइंग इन करेक्ट ऑर्डर. उसके बाद में ये आपके एक्टिविटीज आती है, इसको बेटा आपको बुक में फिल करना है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है. ये आपको बुक में ही फिल करना है, इसको कॉपी में नहीं लिखना. मैं आपको समझा देती हूँ बेटा. देखो ये ट्री है, तो इसमें ट्री का ऐसा बताया हुआ है कि ट्री ग्रो भी करती है, ट्री बढ़ती है. ये बातें मैं आपका राइट का आंसर लगेगा. मैं ये डायग्राम बना रही हूँ, मेरा बुक की तरह तो नहीं है पर फिर भी आपको समझ लीजिए. उसके बाद में आ रहा है बीज. ये आपका एक बीज है, ये भी आपका क्या होता है, ग्रो करता है. उसका भी आपका राइट है एंड सेकेंड देखिए आपका, सेकेंड आपका प्लांट्स है जो कि उसमें बताया हुआ है कि ये बढ़ता है बीज होने के बाद में. तो बेटा इसमें बीज अगर अपन डालेंगे तो बीज होने के बाद में पानी देंगे तो ये सिंपल सी बात है, ये भी ग्रो करेगा. तो ये वाला भी हमारा आंसर राइट होगा. हमारे यहाँ आंसर ये बताना है कौन सी चीज ग्रो भी करती है. उसके बाद में आता है ये ग्रैंड फादर है. सॉरी मैं इसका डायग्राम नहीं बना सकती ग्रैंड फादर का. तो ये वाला आपका क्रॉस का वर्टिक लगेगा. उसके बाद में एक बालक है, इसका भी मैं डायग्राम नहीं बना सकती. ये भी आप इसका इसके आगे भी आपको राइट पर क्लिक करना है क्योंकि एक बालक को जो है वो बढ़ता है, ग्रो भी करता है. उसके बाद में ये फादर है, इनका भी आपको राइट करना है क्योंकि फादर भी ग्रो भी करते हैं, वो भी बढ़ते हैं. फादर होने के बाद में वो ग्रैंड फादर के पोस्ट पर आते हैं. पर ग्रैंड फादर की जो पोस्ट होती है उसके बाद में वो ग्रो भी नहीं करते क्योंकि उनकी सीमित आयु ग्रैंड फादर की.
कॉपी में नोटेड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।